गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप लोग को आज पता चला होगा कि बीपीएससी के साइट पे दोपहर में एक ऑफिशियल नोटिस आया कि जो 67th जो पीटी का जो एग्ज़ाम है वो 20 और 22 सितंबर को दो शिफ्ट में होने जा रहा है और उसमें परसेंटाइल सिस्टम का जो है ना नियम लागू होगा। तो इसके पहले आज से 3-4 दिन पहले जब छात्र के प्रतिनिधि जो है जब अतुल सर से मिले थे, अतुल सर ने ये आश्वासन दिया था कि जो भी स्टूडेंट का इशू है या जो मुद्दा है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और भी कुछ कानूनी राय लेंगे, 31 तारीख को आपसे बात करके ही हम आगे कोई फैसला लेंगे। लेकिन अचानक से आज कल 31 तारीख है, लेकिन कल जो है जो अतुल सर जैसा आश्वासन दिए थे उसके पहले ही बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। तो इसी को लेके जो है ना विरोध प्रदर्शन है कल 31 अगस्त कल है कौन सा 31 अगस्त को सुबह 10 बजे जो है ना पटना कॉलेज आना है। कल का जो प्लान यही है, जो जितने भी छात्र पटना में हैं उनका कल प्लान यही है कि जो कल 31 अगस्त को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आना है और सब लोग मिलकर विचार विमर्श करेंगे, फिर बीपीएससी ऑफिस या जहाँ जाना है ये जाएंगे। ये जो है ना दिलीप छात्र नेता हैं उन्हीं के फेसबुक पेज पे चीज़ें दिया हुआ है। और देखिए इनका ये यहाँ पे फिर से ये दिलीप कुमार हैं, ठीक ना, ये छात्र नेता हैं, इन्हीं का ये मैसेज है। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि कल 31 अगस्त को सभी लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट अशोक राजपथ आइए, पटना के सभी कोचिंग बंद रहेंगे, रैली निकाला जाएगा। हम लोगों से मिलने से पहले बीपीएससी ने नोटिस जारी करके तानाशाही रवैया अपनाया है, अब बीपीएससी ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए अब हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, दिलीप कुमार, इनका ये मोबाइल नंबर है। तो कल जो है ना फिजिकली प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट पूरी तरह शांतिपूर्ण है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग को भाग लेना चाहिए क्योंकि अगर आयोग ने, मेरा सिंपल मानना ये, अगर आयोग ने अगर आश्वासन दिया था ना 31 अगस्त को आप लोग आइए बातचीत किया जाएगा, लेकिन 31 अगस्त से पहले आयोग इस तरह के नोटिस जारी करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना चीज़ें छात्रों के अनुकूल नहीं है। इसलिए जो चीज़ सही है हमको उसका तो विरोध प्रदर्शन करना ही चाहिए क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हमको विरोध का प्रदर्शन करने का अधिकार है। और चूँकि जो बीपीएससी 67th का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं था कि एग्ज़ाम दो शिफ्ट में किया जाएगा। तो हो सकता है जब एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करा भी लिया है तो आगे कोर्ट में ये मामला जाना तय है क्योंकि आपको पता है कि 6 लाख लड़के में जो पीटी जो निकलेगा वही तो मुश्किल, पीटी जो है ना जो भी आएगा वही मुश्किल से 8-10 हज़ार आएगा, तो बाकी लड़के तो फेल ही हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि जो फेल करेंगे ऑब्वियस सी बात है वो कोर्ट केस में जाएंगे, इसलिए कोर्ट केस मामला लंबा फंसे उससे बेहतर है कि आयोग को इन सारे इशू पर जो है ना मतलब कि बातचीत करके रिजॉल्व करना चाहिए। और एग्ज़ाम वन शिफ्ट में ही होना चाहिए, सबसे बेस्ट यही होगा क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब कि बीपीएससी में 6 लाख स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कितनों का उम्मीद कितनों का सपना इसके साथ जुड़ा हुआ है, खासकर जितनी भी वो सारी गर्ल्स, ऐसा हम कभी कॉल आ रहा है कि सर अगर ये एग्ज़ाम अगर सही ढंग से कंडक्ट नहीं कराया गया, अगर हम पास नहीं हुए तो मेरी शादी जल्दी करा दी जाएगी, कितना मतलब कि गर्ल्स के साथ तो और बड़ा इशू है। इसलिए ना आयोग को इन सारी चीज़ों को समझते हुए एक सही निर्णय या डिसीजन लेना चाहिए ताकि सभी छात्रों के हितों के अनुकूल हो। तो बाकी कल जो है ना सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी पटना या उसके आसपास हैं तो 10 बजे इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए, एक दिन ठीक है एक दिन दीजिए ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज करने से ही होता है कि आयोग को लगे नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हमारे खिलाफ हैं, इसलिए आयोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने जो विचार उन्होंने किया है कि हम एग्ज़ाम लेंगे उस पर वो फिर से दोबारा पुनर्विचार कर सकें। इसलिए मेरा बस रिक्वेस्ट सबसे यही है कि आप लोग जो है ना 10 बजे पटना कॉलेज पहुँचें और वहाँ पे जो चीज़ें होगा तो आप उसको मानें और उसको करें। बाकी मैं भी अपने लेवल पे जितना हो सके, पटना में बहुत सारा मेरा फ्रेंड और भी मेरे कई सारे स्टूडेंट भी, मैं उनको भी कॉल करके मैसेज कर दिया हूँ, वो भी बहुत सारी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। तो बस थोड़ा सा हम लोग को कोऑपरेट करना है एक दूसरे का क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सारे जो है ना बीपीएससी से ही जुड़े हुए थे, इसलिए जो इशू है जो रियल इशू उस पर हम लोग को एक साथ होना चाहिए, इसमें कोई गुटबाजी का सवाल नहीं, जेन्युइन सवाल हम लोगों का है, ठीक ना। तो बस यही मैसेज आप लोग को देना था, बाकी प्रोटेस्ट भी कर लेना है, बाकी पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो अपने को करना ही करना है, स्टूडेंट का कर्तव्य भी पढ़ाई भी करना है, तो प्रोटेस्ट के साथ साथ हमको पढ़ाई भी करते रहना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।